रेडियस ऑफ गायरेशन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझो। एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट को सिखाते हो, कैसे सिखाते हो? मैंने कहा देख ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है, तेरे वैसे बता देता हूँ, अगर तू रिंग लेना तो मैं डीएम 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 करके इंटीग्रेशन करता हूँ और आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर निकालता हूँ। उसने कहा डिस्क कैसे करते हो? तो मैंने कहा डिस्क ना रिंग से बनी हुई है, एक पहले रिंग का निकालता हूँ फिर इंटीग्रेट करता हूँ तो डिस्क आता है। कहता स्फीयर कैसे करते हो? मैंने कहा वो तो मैं क्लास में करता ही नहीं, तो इंटीग्रेशन ही बहुत बड़ी है। फिर कहता कोन कैसे करते हो? मैं वो भी नहीं करता, उसकी इंटीग्रेशन उससे ही बड़ी है। वो कहता इतना करने की जरूरत क्या है? मैंने कहा क्यों? कहता आप सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ाते हो स्टूडेंट को? क्यों इतना झंझट में डाल के रखा है कि रिंग लो डिस्क लो, जरूरत क्या है? आप सीधा बोलो बॉडी का जो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो क्यों ना सारा मास किस पे ले लिया जाए? सेंटर ऑफ मास पे। और सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट मास, तो तुम पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा दो एम इंटू आर स्क्वायर, तुम्हारा एक मिनट में आया जाएगा। मैंने कहा हाँ मैं एक मिनट लगा के देखता हूँ। तो जब मैंने ये लगाया, तुम भी लगाओ, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये इसका एक्सिस है, इसका फॉर्मूला 2/5 एम आर स्क्वायर, जो मैंने इंटीग्रेशन से निकाला। उस स्टूडेंट के हिसाब से मैं क्या करूं, इस स्फीयर का मास कहां पर ले लूं? इसके सेंटर ऑफ मास पे ये ले लिया मैंने, वही तो एक्सिस पे चला गया। अब मैं क्या लोगों को बोलूं, आई क्या है? जीरो, क्योंकि मास तो एक्स पॉइंट मास तो एक्सिस पे जाके बैठ गया और एक्सिस से दूरी क्या है? जीरो। तो जब मैंने डिस्क पे लगाया तो भी जीरो, मैंने रिंग पे लगाया तो भी जीरो। तो मैंने कहा नहीं भाई इसमें चलेगा नहीं। फिर वो कहता ठीक है अगर नहीं चलेगा ना तो या तो ये मान लो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ही गलत है और उस चैप्टर को हटा दो फिजिक्स में से, लग नहीं रहा ना, या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर सेंटर ऑफ मास से इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझा दो। अब मैं चैप्टर तो हटा नहीं सकता तो मैं सही तरीके से समझा देता हूँ। तो ये बेसिकली टॉपिक ऐसा है, रेडियस ऑफ गायरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन यूज ही नहीं करते। हम यही मानते हैं उस स्टूडेंट के हिसाब से कि मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का मास m है, पॉइंट मास ले लिया, उसके कहे पे पॉइंट मास ले लिया मैंने, पर मैंने एक शर्त रखी भाई एक पक्की बात है इसको एक्सिस पे नहीं लूंगा तेरे, क्योंकि आई जीरो आ जाता है। वो कहते कोई बात नहीं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक्चुअल में तो मास पॉइंट मास पे हो ही नहीं सकता सॉलिड स्फीयर का, ये तो इमेजिन कर रहे हैं, और जब इमेजिन कर रहे हैं तो पक्की बात है एक्सिस इसके अंदर से मत पास करना, एक्सिस का डिस्टेंस वो लेना और डिस्टेंस परपेंडिकुलर के लेना, ताकि आई का फॉर्मूला पॉइंट मास का जब मैं एम के स्क्वायर लगाऊं तो मेरा आंसर वही आना चाहिए जो बाय इंटीग्रेशन आया था। मतलब अपने मन में के कुछ भी एज्यूम कर लो, बस वो एज्यूम करना कि जब मैं यहां वैल्यू पुट करूं उसका आंसर इससे मैच कर जाए। तो अगर मेरा आंसर ये 10 आता था सॉल्व करके तो मेरा ये आंसर भी 10 आना चाहिए, तो मैं के की सिलेक्शन ही वैसे करूंगा, उस के को जो पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया उस के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से भी कर दिया सॉल्व इसे, पर लेकिन इसके लिए मेरे को एक्सिस से दूरी एडजस्ट करनी पड़ी क्योंकि इमेजिनेशन में एडजस्ट हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि एक स्फीयर पॉइंट मास है और वो के दूरी पे है और उतना ही आई प्रोड्यूस कर रहा है जो ये आई किया करता था। जैसे एक डिस्क है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है वैसे तो, लेकिन अगर गायरेशन लेते हैं तो आप के को ऐसा लेना एक्सिस से ताकि जब आप आई इज एम के स्क्वायर निकालें तो आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। तो इस के की वैल्यू को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क। तो आपने देखा होगा आपके PYQ के अंदर बुक्स के अंदर बहुत लिखा होता है फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो लिखें तो इसको ऐसे लिखें, रेडियस ऑफ गायरेशन में जैसे एग्जाम्पल हेडिंग डाल लेना रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एग्जाम्पल एक सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर का आई का फॉर्मूला 2/5 एम आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वायर और मेरे को के की वैल्यू निकालनी है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसल,
अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू आर। तो स्फेयर का गायरेशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू आर। जैसे कि डिस्क, एक डिस्क का आई का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम आर स्क्वेयर, गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वेयर। इक्वेट कर लो, इक्वेट करके एम के स्क्वेयर एम आर स्क्वेयर, तो के की वैल्यू 1/√2 इंटू आर। तो ऐसे तो हर बॉडी का के क्या निकलेगा? डिफरेंट। आपके पी वाई क्यू के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, दो चार में को छोड़ने पड़े, मैंने कहा गायरेशन किया नहीं। वो तो क्या पूछ रहा था, वो आपको जैसे दो डिस्क हैं, आपसे जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमने क्या निकाला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज निकाली थी। उन टाइप के क्वेश्चन में वही था। मान लो आपने किसी भी बॉडी का आई निकाल लिया 7/2 एम आर स्क्वायर निकल गया, आपने एक फिगर सॉल्व की, आई की वैल्यू आ गई, आई आ गया। लेकिन उसने ऑप्शन में आई नहीं पूछा, उसने पूछा कि इस आई के कॉरस्पॉन्डिंगली के क्या होगा। तो एक स्टेप और फालतू करने ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपने एक स्टेप और फालतू क्या किया, इक्वल टू एम के स्क्वायर, और फिर एम के स्क्वायर को 7/2 एम आर स्क्वायर से इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल दी 7/2 इंटू आर। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे वो यही थे। आई तक तो निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया था हर क्वेश्चन में, पी वाई क्यू में। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था जिसमें मैं बोलता था फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको इक्वल टू एम के स्क्वायर करके के निकाल देना है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो क्वेश्चन क्यों छोड़े थे, और अब आप जब आप करेंगे अपनी प्रैक्टिस तो उन क्वेश्चन को साथ में कर लेना और आप के भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी फिगर का अगर आपको आई पता है तो वहाँ से के की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। वो ये ठीक बोल रही है, मेरी ज़िंदगी इतनी स्मूथ चल रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से फॉर्मूला याद किए, रिंग का, डिस्क का, रॉड का कर लिए, ठीक तो चल रहा है। कोई पूछेगा रिंग का तो मैं बोल दूंगा एम आर स्क्वायर, कोई पूछेगा सॉलिड स्फीयर का मैं बोल दूंगा 2/5 एम आर स्क्वायर। मैं क्यों बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, तू पॉइंट मास ले लियो, फिर एम के स्क्वायर कर लियो, फिर के का ये फॉर्मूला क्यों? ये गायरेशन का कॉन्सेप्ट, अभी तुम सिर्फ 5 मिनट और रुको, ये इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आप अगले लेक्चर में ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि पुराना कॉन्सेप्ट भी यूज़ करने वाले हो। आप यूज़ ही गायरेशन करोगे, आपको पेन को हाथ नहीं लगाना, आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ये शॉर्टकट बन जाएगा एक बहुत सही, दिखाता हूँ कैसे बनेगा, तो 2 मिनट वेट करो। तो यहाँ तक क्लियर है पहले तो। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, रेडियस ऑफ गायरेशन के अंदर सॉलिड स्फीयर का जैसे 2/5 एम आर स्क्वायर है, गायरेशन में एम के स्क्वायर है, मैंने इक्वेट कर लिया, तो नॉर्मली मैंने आपको के निकालना सिखाया, लेकिन ये क्या निकाल रहा है? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमें ज़रूरत के की नहीं होती न्यूमेरिकल्स में, हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चाहिए होता है। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्यों चाहिए बताऊँगा, तो ये 2/5 है, राइट। जैसे डिस्क है, डिस्क का आई क्या है? हाफ एम आर स्क्वायर, गायरेशन में एम के स्क्वायर, इक्वेट करो क्या आएगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? हाफ। जैसे रिंग है एम आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर, इक्वेट करो 1। तो आपको मैं जब पूछूंगा न्यूमेरिकल में व्हाट इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर अ सॉलिड स्फीयर, तो प्लीज ऐसे मत करना, इक्वेट मत करना। शॉर्टकट क्या है? जो कोफिशेंट है, अगर स्फीयर का फॉर्मूला 2/5 एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है? 2/5, वही इसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बनेगा। अगर डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर है तो कोफिशेंट क्या है? हाफ, तो हाफ आएगा। रिंग का 1 एम आर स्क्वायर तो 1 आएगा, और अगर किसी बॉडी का 7/2 एम आर स्क्वायर तो 7/2 आएगा। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना आ गया सबको, ठीक। यूज कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब जो स्कूल में आता है, ये तो प्रैक्टिकल चीज मैंने आपको पहले बता दी, स्कूल में ऐसा आता है डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन या एक्सप्लेन या राइट अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो दो लाइनें क्या लिखनी है इसमें, मैथमेटिकल कैसे लिखना है, ये स्कूल लेवल के लिए लिख लेना फॉर स्कूल लेवल। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में मेंशन किया हुआ है मैंने, पर फिर भी आप इसमें मेंशन कर लो, हाईलाइट कर लो, ओनली फॉर स्कूल है ये। आई का फॉर्मूला लंबे तरीके से कैसे निकलता है, आप एक बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल लेते हो m1 m2 m3 up to mn। तो पहला पार्टिकल का मोमेंट हमेशा m1 r1 square लेते हो, फिर m2 r2 square लेते हो, m3 r3 mn rn, लंबे तरीका। छोटा तरीका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से क्या लेते हो? एम के स्क्वायर। दोनों तरीके एब्सोल्युटली करेक्ट है, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके ये मास नीचे आ गया,
के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मान लेते हैं सभी पार्टिकल सेम मास के हैं, एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन एम है, तो एक काम करते हैं एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो टोटल मास क्या होगा, एन इंटू एम, तो तुम डिनोमिनेटर में एम इंटू एन पुट कर दो और एम वन एम टू एम थ्री की जगह एम 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 पुट कर दो, ऊपर और नीचे एम कट गया, अंडर रूट ले लो और के का फॉर्मूला आ गया। तो के एक्चुअल में कैसे निकलता है, के निकलता है अगर आप किसी बॉडी का के निकालना चाहते हो तो उसके बहुत सारे पार्टिकल लो, उन सभी पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से लो जो कि आर वन आर टू आर थ्री आएगा, उनका स्क्वायर करो, फिर उनका एवरेज लो, मीन लो, और फिर क्योंकि आपने स्क्वायर का एवरेज लिया है, हमने तो के निकालना है मीटर में, मीटर स्क्वायर थोड़ा निकालना है, तो फिर अंडर रूट लो तो आपके पास रेडियस ऑफ वेरिएशन आता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको लिखा जाता है, ये क्या चीज है, अंडर रूट, रूट रूट, अंदर क्या चल रहा है, एवरेज, एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन, रूट मीन, किसका मीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, तो आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ द पार्टिकल, तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आर एम एस वैल्यू, बहुत फेमस वैल्यू है फिजिक्स में, आर एम एस वैल्यू, आर एम एस वैल्यू का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखो वो कहेगा डिफाइन आर, डिफाइन रेडियस ऑफ वेरिएशन, तो हमने ये लिख के आना है, वो मैथमेटिकल पोर्शन ये लिखना है और थ्योरी में ये लिखना है, रेडियस ऑफ वेरिएशन इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्कूल के लिए ये प्रैक्टिकल मैंने बता दिया केस पर भाई आस्कर का कॉन्सेप्ट है। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, तो इसको यूज़ कैसे करना है अभी नेक्स्ट यही बताना है।